नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न 6 हम करने जा रहे हैं। बच्चों प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी। समबाहु का मतलब है यह भुजा और यह वाली बड़ी भुजा और यह भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनकी भुजा की लंबाई दी हुई है 2a, यानी ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसका हमने एक शीर्ष लंब बनाया है AD, हमने लिखा ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। परपेंडिकुलर का मतलब यह है AD जो है BC पर शीर्ष लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, यह एक लंब है। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यह त्रिभुज लेंगे ADB, यह वाला त्रिभुज, और इसी प्रकार दूसरी तरफ त्रिभुज लेंगे ADC, यह वाला त्रिभुज। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। देखिए बच्चों कैसे, सबसे पहले मान लीजिए इसको मान लेते हैं कोण एक और इसको मान लेते हैं कोण दो, तो ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के है क्योंकि यहाँ पर लंब है। तो कोण वन बराबर कोण टू क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसके बाद देखिए ए बी है 2a, ए सी भी है 2a, ए बी बराबर ए सी बराबर 2a क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सारी बराबर होती हैं। इसके बाद AD बराबर AD, AD जो भुजा है यह इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। AD बराबर AD, इसको हम लिख देते हैं, इसका कारण है कि ये कॉमन है। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड तीनों चीजें बराबर हैं, तो RHS सर्वांग समता नियम, RHS सर्वांग समता नियम था कि एक राइट एंगल बराबर होना चाहिए दो त्रिभुजों में और एक हाइपोटेन्यूज यहां की कर्ण बराबर होना चाहिए और तीसरी कोई भी भुजा बराबर होनी चाहिए। तो RHS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। तो बच्चों ये देखिए, ये त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है और यदि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका अर्थ है इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे, तो यह BD जो है यह DC के बराबर आ जाएगा। BD बराबर होगा DC के, इसका कारण होता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आगे चलते हैं। हमें इससे ये पता चला BD बराबर DC है, BD बराबर DC है, इसका मतलब D जो है यह BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। तो बच्चों देखिए इससे BD किसके बराबर होगा, BD जो है DC के बराबर होगा और ये पूरे BC का आधा होगा, हाफ गुना BC। और हमें पता है BC किसके बराबर था, 2A के, तो 2 से 2 कट गया तो BD किसके बराबर आ गया है, A के बराबर आ गया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल BDA या ADB, कुछ भी लिख दो, ADB हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर के ए डी बी त्रिभुज में ये हाइपोटेन्यूज है ए बी, यह बराबर होगा बेस स्क्वायर है बी डी, बी डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए डी, ए डी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ए बी किसके बराबर है, 2a के, तो ए बी की जगह मैंने लिखा 2a का होल स्क्वायर बराबर। बी डी किसके बराबर है, हमने अभी निकाला बी डी बराबर है ए के, यानी a का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हमें नहीं पता, ये हमने निकालना है अभी। आइए इसे आगे करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये बराबर से इधर a स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बराबर, यहां बच जाएगा ए डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ए डी किसके बराबर होगा, 3a स्क्वायर के रूट के बराबर, तो यहां से ए डी आ जाएगा रूट 3, ए स्क्वायर में से एक ए रूट से बाहर चला जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास ए डी कितना आया है, रूट 3 ए। तो इसी प्रकार से इसके बाकी भी जो शीर्ष लंब होंगे, एक एक शीर्ष लंब ए डी आया है रूट 3 ए, इसी प्रकार से आप एक यहां शीर्ष लंब बनाकर वो भी रूट 3 ए के बराबर सिद्ध कर सकते हो, और यहां पर एक शीर्ष लंब बनाकर उसे भी रूट 3 ए के बराबर सिद्ध कर सकते हो। तो हम बच्चों यहां लिख देंगे प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी रूट 3 ए, इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज होगा यदि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, रूट 3 ए के बराबर। तो बच्चों प्रश्न बहुत आसान था, सबसे पहले हमने इन दो त्रिभुजों को, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया यहां तक, उसके बाद सर्वांगसम से हमें पता लगा बी डी डी सी के बराबर है और यह पूरे बी सी के आधे के बराबर है, वहां से हमने फिर ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर और हमने प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकाली है रूट 3 ए। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें भलीभांति समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।